आज मैं आप सभी लोगों के लिए अजवाइन की टेस्टी पूड़ी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा और आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाली है अजवाइन। अब डाला है आधा चम्मच सादा नमक, दो चम्मच डालूँगी रिफाइंड। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाऊंगी। इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है। ये पूड़ियाँ खाने में टेस्टी होती हैं और बनाने में आसान भी रहती हैं, तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। और इसे इसी तरह से इसका डो लगा कर रख लूंगी। अब इसके ऊपर से हल्का सा रिफाइंड लगा दूंगी और लगभग 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख दूंगी। तो मैंने इसे सान कर रख दिया है और अब फ्लेम से मैंने दूध को उतार लिया है और इधर बनाया है राजमा। राजमा में मैंने डाला है पुदीने की पत्ती, इसको मैंने सुखा कर रख लिया था, तो हरी धनिया की जगह पर इसमें मैंने पुदीने की पत्ती को क्रश करके डाल दिया है। और अब इसको फ्लेम से नीचे उतार लूँगी। इस सब्ज़ी में मैंने हल्दी नहीं डाली है, गरम मसाला और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी कुछ इस तरह की बनी है। अभी राजमा गरम है इसलिए ये पतला लग रहा है, कुछ देर के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। अब 5 मिनट के बाद मैं आटे को निकालूंगी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो इस तरह से एक बार आटे को चिकना कर लूंगी। पूड़ियों को आप छोटी या बड़ी साइज में बना सकते हैं, तो हल्का सा रिफाइंड लगाकर इसकी लोई बनाऊंगी। आप इन पूड़ियों को अपने मनपसंद चटनियों के साथ में, चाय के साथ में या फिर अचार के साथ में भी ऐसे बनाकर खा सकते हैं। तो सभी लोई को मैंने कट करके रख लिया है और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक छोटी सी पूड़ी। मीडियम फ्लेम पर तेल को रख दिया है गरम होने के लिए। और अब इस तरह से पूड़ियों को बेल लूंगी। पूड़ियों को हमें बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं रखना है, कुछ इस तरह से। तो तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद मैंने पूड़ी को डाला है तलने के लिए। फ्लेम को मीडियम किया है। तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद मैंने पूड़ी को डाला है
और इसी तरह से पूड़ियों को बेल कर रख लूँगी। तो अब पूड़ी को दूसरी तरफ पलटने के बाद इस तरह से पूड़ी को चलाते हुए तलूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल सके। आप भी एक बार इस तरह से अजवाइन की पूड़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये पूड़ियाँ बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती हैं, खाने में टेस्टी भी होती हैं। आप इन्हें कभी भी किसी भी टाइम में बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी पूड़ियों को तलूंगी। तो अब ये पूड़ियाँ तलकर तैयार हैं और इन्हें निकाल लूँगी। आप चाहें तो इन पूड़ियों के आटे में आप थोड़ा सा सूजी या फिर उड़द की दाल को भी मिक्सी में ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अगर आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो उसमें आधी कटोरी सूजी या फिर उड़द की दाल को पीसकर डाल सकते हैं। अब सभी पूड़ियाँ तलने के बाद मैं इन्हें निकालूंगी सर्व करने के लिए। इस थाली में मैंने ली है सलाद, लड्डू और काबुली चना और राजमा की सब्जी। आप भी एक बार इस तरह से राजमा को बनाकर ट्राई करें। ये राजमा इस तरह से बनाने पर बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसकी सब्जी भी टेस्टी बनती है। इसमें मैंने लहसुन प्याज या फिर कोई भी पेस्ट नहीं डाला है, टमाटर को सिर्फ कट करके डाल दिया है और साथ में रखूंगी पूड़ियाँ। आप चाहें तो राजमा की सब्जी के साथ अपनी मनपसंद रोटियां या फिर चावल को भी बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए अजवाइन की टेस्टी पूड़ी और राजमा की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।